नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, चलिए हम आगे की शॉर्टकट की और बात की जाए जो फंक्शन की रहते हैं इनसे संबंधित पूछे गए अभी तक के जितने भी प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि इतनी ही की जरूरी है या बात की जाए, इससे आगे भी और भी करना पड़े। पहली बात तो आप 2016 से अभी तक 2021 की जितनी भी शॉर्टकट की फंक्शन की पूछी गई हैं तो उतना ही कर लो, उतना ही इनफ है। इससे ज़्यादा आपसे कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप देखोगे यही बहुत है। पहली बात तो आप इतना ही पूरा करने में जो है आपको टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले आप इन्हें कीजिए जो प्रीवियस ईयर में आई है। शॉर्टकट की कभी बदलती नहीं है। पहली बात तो किसी भी चीज़ नया शॉर्टकट की कुछ नहीं आती है, जो पहले से चली आ रही है वही आपसे पूछी जाएंगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के कुछ हिस्से को एक स्थान से रिमूव करके कहीं और हमें इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम जो है क्या कौन सी प्रक्रिया जो है यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन है कॉपी और पेस्ट, कट और पेस्ट, और कॉपी और प्रिंट, और बात की जाए कट और सेव। तो आप सभी को पता है, जैसे कि मान लो ये पैराग्राफ लिखा है और यहाँ से मैं कोई एक टेक्स्ट है ये है, तो इसको यहाँ से रिमूव, रिमूव मतलब पूरा यहाँ से हटाना है, ठीक है, कॉपी नहीं करना है। कॉपी में तो आपके पास सिर्फ कॉपी हो जाएगा, यहाँ की यहाँ रह जाएगा। इसे रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कट का यूज करते हैं, ठीक है, कट का यूज करते हैं, जिसके लिए हम जो है वो बात की जाए तो Ctrl+X का यूज करते हैं कट के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, दूसरी जगह हमें इंसर्ट करना है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है, तो वहां पर हमें Ctrl+V का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर कट और पेस्ट की प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर MS वर्ड में वर्ड काउंट लिस्ट दिखाने की शॉर्टकट की है। MS वर्ड में कितने जो है वो वर्ड हैं वहां पर, इसकी काउंटिंग जो है वो किस शॉर्टकट की में हम देखते हैं। ऑप्शन है Ctrl+Shift+G, Ctrl+Shift+L, Ctrl+G या Ctrl+L। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, Ctrl+Shift+G का यूज करके जो है वो एमएस वर्ड में कितने वर्ड हैं उसको जो है वो काउंट किया जाता है, काउंट लिस्ट दिखाने के लिए जो है हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर एमएस वर्ड में गो टू कमांड चुनने की फंक्शन की क्या है। गो टू कमांड मैंने आपको बताया था, जितने भी F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की है इन सभी को आप याद कर लेना अच्छे से, F1, F2, F5 या F7। तो गो टू कमांड के लिए हम F5 का यूज करते हैं, F1 के लिए हम हेल्प का यूज करते हैं, याद रखना है इसे रिनेम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसे हम स्पेलिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो इन सबको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक पृष्ठ की सभी सामग्री को चयन करने के लिए, कोई पृष्ठ है इस पर जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए इन सबको सेलेक्ट करना है, चयन मतलब होता है सेलेक्ट करना, ठीक है, तो हम कौन से की दबाएंगे, Ctrl+A, Alt+A, Shift+Z या Alt+Z, तो Ctrl+A का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, Ctrl+M का क्या कार्य है, क्या करता है, ठीक है, चयनित खंड को हाईलाइट करता है, लिंक इंसर्ट करता है, या बात की जाए कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को पेस्ट करता है, या पैराग्राफ को इंडेंटिंग करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, दरअसल पैराग्राफ को इंडेंटिंग करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कर्जर को अलग विंडोज एक्सप्लोरर पेन में ले जाने के लिए हम किस कुंजी का यूज कर जाते हैं। जो कर्जर है, कर्जर जैसे कि ये चल रहा है ना, तो ये कर्जर है, कर्जर को अलग विंडो एक्सप्लोरर में, तो अलग से ले जाने के लिए हम जो है कौन सी, F1, F3, F6 या F8, तो इसके लिए जो हम F6 का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, Shift+F7 का यूज क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर पृष्ठ क्यू रिफ्रेश करना, बी ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू दिखाना, या थर्ड ऑप्शन है हाईलाइट किए गए शब्द के लिए शब्दकोश जांच को रन करना, या बात की जाए दस्तावेज को सहेजता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, हाईलाइट किए गए शब्द के लिए शब्दकोश जांच करने में रन करता है। तो शब्दकोश मतलब जो स्पेलिंग वोकैबुलरी होती है उसके लिए हम जो है इसका यूज करते हैं, Shift+F7, कोई भी हाईलाइट शब्द है उसके लिए। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पिछली क्रिया को रिड्यू या दोहराने के लिए,
ठीक है। रिड्यू का मतलब होता है दोहराना, ओके। तो इसके लिए हम कौन सी कुंजी का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एल, शिफ्ट प्लस वाई, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वाई, या कंट्रोल प्लस वाई प्लस आर। तो आप सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस वाई। देखिए क्वेश्चन जो है बार बार आप देखिए, यही क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा, जितनी भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ बार बार यही क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि अभी तक जितनी भी आई हुई है शॉर्टकट की, उन्हीं को आप याद कर लो, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अल्ट प्लस एंटर का यूज हम किस लिए करते हैं, वर्तमान विंडो के लिए कंट्रोल मेन्यू खोलता है, बी ऑप्शन है चयनित प्रोग्राम को प्रॉपर्टीज विंडो देखने के लिए खोलता है। तो चयनित प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम है ठीक है, इसकी हमें प्रॉपर्टी देखनी है तो इसके लिए, या बात की जाए एडवांस फाइल या उन खोज को विंडो खोलता है, या बात की जाए रन विंडो खोलता है, तो इसके लिए हम अल्ट प्लस एंटर का यूज, जो हमारी प्रॉपर्टी विंडो होती है उसको खोलता है। तो चयनित कोई प्रोग्राम है उसको हम क्लिक करेंगे ठीक है, और अल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पता चलेगी, इसमें कितनी इसकी मेमोरी साइज है, बात की जाए क्या कैसी प्रॉपर्टी है, किस तरह की फाइल है, ये सब हमें प्रॉपर्टी विंडोज में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित शॉर्टकट की में से कौन सी, देखिए कुंजिया का मतलब होता है की ठीक है, तो शॉर्टकट की मैं सीधा बोलूंगा, शॉर्टकट की में कौन सी शट डाउन विंडोज डायलॉग ओपन करती है जब इसे डेस्कटॉप पर दबाया जाता है ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर कंट्रोल प्लस F4, अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F4, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। यानी ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है, कोई भी विंडो खुली है उसे हमें जो है शट डाउन करना है, तो उसके लिए हम जो है अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की भाषा चेंज कर दी गई है, और आप देखोगे इससे पहले भी ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, ओके। तो यही जैसे कोई वर्तमान विंडो है तो उसके लिए भी हम अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं, अगर इसे हमें क्लोज करना है तो इसके लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन कुंजी जो रहेंगी वो ही रहेंगी ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, MS Excel में किस शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की का उपयोग चार्ट के अनुपात को बदले बिना उसके आकार को बदलने के लिए किया जाता है। MS Excel में कुछ ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो मैं चार्ट के अनुपात को बदलने बिना हम जो है उसके आकार को बदल सकते हैं, शिफ्ट अल्ट कंट्रोल, या बात की जाए F11। तो इसके लिए हम जो है शिफ्ट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग की कॉपी के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, या बात की जाए अल्ट प्लस सी। तो इसके लिए हम जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करते हैं ठीक है। MS वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग की कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंत में जाने के लिए हम कौन सी सूत्र, MS पावर पॉइंट है उसके हमें अंत में जाना है तो इसके लिए हम कौन सी की का यूज करेंगे, एंड, कंट्रोल प्लस एंड, एस्केप, या बात की जाए अल्ट प्लस एंड। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, MS पावर पॉइंट में इंक मार्कअप दिखाए या छुपाए प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है अल्ट प्लस आई, ऑप्शन बी है अल्ट प्लस एम, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन डी है यहाँ पर कंट्रोल प्लस आई। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं, इंक मार्कअप ठीक है, इंक मार्कअप के लिए हम जो है वो कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं, इसे छुपाना है या दिखाना है इसी शब्द के संबंध में, ओके। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं तो क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि कंट्रोल प्लस ए से हम जो है वो जितने भी डेटा होता है, या बात की जितने भी फोल्डर हो गए या टेक्स्ट हो गए, अब यहाँ पर MS वर्ड है तो जाहिर सी बात है हम टेक्स्ट की बात करेंगे, तो टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस ए से क्या करते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए, तो बिल्कुल ऑप्शन देखिए फाइल में सभी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए थोड़ी ना होता है ये, सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, फाइल को सभी को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि आप कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन
की तो वही है। अब देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, लाइन ब्रेक बना रहे हैं, एक नई फाइल बना रहे हैं, एक नई फाइल खोल रहे हैं, या एक फाइल बंद कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा हुआ है तो इसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था, और लाइन ब्रेक बनाने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कंट्रोल प्लस के का, तो ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर विंडो हेल्प को प्रारंभ कर रहे हैं, माई कंप्यूटर खोलते हैं, या बात की जाए स्टार्ट मेन्यू को प्रारंभ कर रहे हैं, या बात की जाए कंट्रोल पैनल खोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू जो होता है उसको प्रारंभ करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो कई कई जगह जो है अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, क्वेश्चन की भाषा चेंज हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर एमएस वर्ड में आपको एक दस्तावेज में स्पेलिंग चेक या व्याकरण चेक करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं। तो मैंने शुरू बात की ही बताया था कि F7 का यूज करते हैं स्पेलिंग के लिए। ठीक है, स्पेलिंग अगर चेक करना है तो उसके लिए हम F7 का, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज हम किस लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर पॉइंट साइज बदलने के लिए, एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए, या डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। तो ये दरअसल जो है वो फॉन्ट साइज बदलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज एमएस वर्ड के फॉन्ट साइज के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में एक शब्द को दाएं तरफ, दाएं मतलब होता है राइट साइड दिखाने के लिए, तो एक दाया होता है एक बाएं तरफ। अगर हमें एमएस पावर पॉइंट में कोई शब्द है उसको इस तरफ खिसकाना है या इस तरफ खिसकाना है, या डाउन या अप इस तरीके से, तो हम किसका यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, राइट एरो का यूज करेंगे राइट साइड, लेफ्ट यहाँ पर लेफ्ट एरो का यूज करेंगे लेफ्ट साइड करने के लिए। तो याद रखना है दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में कार्य फलक सक्रिय होने पर कार्य फलक में क्रम से अगले या पिछले विकल्प का चयन करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अल्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, या बात की जाए होम प्लस टैब, तो इसके लिए हम जो है वो शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में ध्वनि को म्यूट करना है। ध्वनि आप सभी को पता होगा जैसे एमएस पावर पॉइंट होती है, अगर आप उसमें कोई साउंड जो है वो डालते हो तो उसको म्यूट करना है हमें या बंद करना है। तो इसके लिए देखिए अल्ट प्लस यू, अल्ट प्लस एम, अल्ट प्लस एस प्लस ओ, या अल्ट प्लस यू प्लस एम, तो इसके लिए हम जो है अल्ट प्लस यू का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान विंडो से अगली विंडो में स्विच करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया है अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आप बार बार क्वेश्चन आपको वही चीजें दिख रही है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए बार बार वही क्वेश्चन मैं आपको बार बार वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो पाए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट ये किस प्रकार की कुंजी होती है। ऑप्शन है यहाँ पर एडजस्टमेंट फंक्शन मॉडिफायर, या बात कीजिए अल्फा न्यूमेरिक, तो ये आप सभी को पता होगा ये अल्ट हो गई, ठीक है कंट्रोल हो गई, और ये शिफ्ट हो गई, तो ये सभी जो है वो मॉडिफायर की होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। और F1 से लेकर F12 तक जो है ये क्या होती हैं, ये हमारी जो है फंक्शन की होती हैं, जो आप सेकंड देख रहे हो ये फंक्शन की होती हैं F1 से लेकर F12 तक। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर MS वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर में, सेंटर अलाइनमेंट जिसे हम बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एम, या कंट्रोल प्लस एल, तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर एम एस एक्सेल में चयनित सेलों को स्थानांतरण करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे। वही सेल है उसको हमने चयन कर लिया है और उसको दूसरी जगह जो है हमें ट्रांसफर करना है, तो कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, या कंट्रोल प्लस ओ, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स के लिए हम किस लिए, कट करने के लिए, कट करेंगे दूसरी जगह स्थानांतरण करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के लिए हम जो है कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, और इसके लिए हम कट के यूज करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर एम एस वर्ड में पेज ब्रेक करना है, तो इसके लिए, तो देखिए ये क्वेश्चन भी फिर से पेज ब्रेक करना हो या बात की जाए, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वो छोड़िए, कंट्रोल प्लस
पेज को हमें ब्रेक करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा था पिछले वी क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर विंडोज के सभी संस्करणों में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच को शॉर्टकट की क्या होती है, यानी आपके साथ बहुत सारे जैसे फोल्डर खुले हुए हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये है, तो ये देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे खुले हुए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन पर शिफ्ट होना है मुझे, दूसरे पर स्विच होना है। क्वेश्चन की भाषा वही है, भाषा चेंज कर दी गई है लेकिन की तो वही है ना। तो इसके लिए हमने मैंने आपको बताया था कि अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर वर्ड टेक्स को किसके द्वारा इटैलिक बनाया जाता है, इटैलिक यानी वर्ड जो टेक्स्ट होते हैं उसका फॉर्मेट हमें इटैलिक में बनाना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस आई का ही हम यूज करते हैं इसके लिए, ये हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट है, बाई ओर अक्षर को मिटाने के लिए हम किस करते हैं, बाई ओर मतलब अगर हमें लेफ्ट साइड से किसी को मिटाना है, वैसे तो आप देखोगे कि कर्जर यहाँ पर होता है और हम इस तरीके से जो है मिटाते जाते हैं, बैक शिफ्ट करते जाते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पर कर्जर है और इस तरीके से हमें मिटाना है किसी भी को, तो कौन सी की का यूज करेंगे हम, तो इसके लिए जो है हम बात की जाए एस्केप का यूज करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर है और इसका एस्केप यूज करोगे ना तो हमें यहाँ से जो है वो मिट जाएगा। ओके अगला, ओके, तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखने ही वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो है ओनली 25 डेज बचे हुए हैं और इन 25 डेज में जितना हो आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, देखिए टेस्ट सीरीज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, मात्र 125 रुपये में ही है, परीक्षा आप डाउनलोड करके वहाँ से, और आप ये 20 टेस्ट सीरीज हैं तो इन 20 दिनों में आप टोटल 20 दिनों में पर डे टेस्ट सीरीज लगाइए, इससे बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, मात्र आपको 125 रुपये मिल रही है, जब आप 600-700 रुपये फॉर्म भरने के लिए आप यूज कर सकते हो, तो आप एग्जाम पास हो जाए और आपका निकल जाए एक ही बार में, ये तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, 125 रुपये आज के मामले में देखा जाए तो कुछ नहीं होते हैं, तो आप खरीद सकते हो उसको और अपनी अच्छे से तैयारी और कर सकते हो। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर कीजिए, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।